अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बोलता है कि सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, मान लीजिए इसका नाम जो है ना ABC है, इसमें परपेंडिकुलर है BC और AB बेस है और AC हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि एच का वैल्यू दोनों तरफ अंडर रूट करने पे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बी है और पी है, इनका क्या वैल्यू रखें हम लोग कि हमको 5 मिले। तो मान लीजिए बी इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ और पी इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो क्या होता है देखिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये मिल गया हम लोगों को अंडर रूट 5। मतलब अंडर रूट 5 बनाने के लिए हम लोगों को 2 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये जो 2 यूनिट एक यूनिट है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे पहले ड्रा करेंगे। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन लेते हैं। तो देखिए, नंबर लाइन में मैं यहाँ पे 1 इंच को 1 यूनिट मान रहा हूं ना, आप कोई भी लेंथ को 1 यूनिट मान सकते हैं, लेकिन वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच को 1 यूनिट मान रहा हूं। अब देखिए, इसमें इसको लिख देते हैं हम लोग, ये जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। अपने को 2 से काम है। अब इससे हम लोग 90 डिग्री खींचेंगे, तो आप क्या करिए, स्केल का जो ये इंच वाला जो साइन है ना, इसको मिला दीजिए और ऊपर से ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री ये बनाता है। तो यहां से 1 इंच हमको लेना है, ये 1 इंच हो गया, 1 इंच एक यूनिट है और इसको नाम दे दीजिए OAB। ये जो OA है आपका, ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 यूनिट है। मैंने यहां पे ध्यान रखिएगा ना, यूनिट जो है कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, जो भी आप लें। अब यहां पे OB जो है, ये OB हमने समझा है, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा अंडर रूट 5, बिल्कुल ऐसा यहां जैसा, तो OB इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया। अब क्या करेंगे, कंपास से पॉइंट ओ पे कंपास के नोक को गड़ाएंगे, ये गड़ा लिया, और OB के बराबर का R का काटेंगे, और R का काटने के बाद ये R का जहां नंबर लाइन को टच करेगा, इस पॉइंट पे हमको जो पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए पॉइंट जो है ना C है, तो जो OC लेंथ होगा वो एग्जैक्ट रूट 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको इसको लिख सकते हैं कि OC इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट। ये अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।